नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ऑपरेशन कागज का साइड इफेक्ट हुआ है। दरअसल न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज को लेकर बिहार में सियासी घमासान लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार पर लगातार मीडिया में बयानबाजी करने वाले बीजेपी एमएलसी पर पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। बीजेपी ने एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और सीएम पर टिप्पणी के बाद पार्टी में उनसे जवाब मांगा गया था। टुन्ना जी पांडे को 10 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही पार्टी ने बड़ी कार्रवाई कर दी उन पर। उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है टुन्ना जी पांडे को। न्यूज 24 ने ऑपरेशन कागज चलाया और किस तरीके से घोटाला हुआ कागजों में, वो सच्चाई सामने रखी और उसके बाद सियासी भूचाल आ गया बिहार में। टुन्ना जी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले लिया, लगातार वो उन पर बयानबाजी करते रहे और उनकी बयानबाजी को लेकर जेडीयू ने कड़ा ऑब्जेक्शन किया। अब जानकारी यह है कि नोटिस का 10 दिन का वक्त था, उससे पहले बीजेपी ने टुन्ना पांडे पर एक्शन ले लिया है। दरअसल न्यूज 24 के खुलासे के बाद इस घोटाले की जांच के आदेश से भड़के बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। टुन्ना पांडे ने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया है। टुन्ना पांडे ने कहा कि वोट तो तेजस्वी यादव को मिला था, लेकिन जनादेश की चोरी करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्हें जेल जाना चाहिए था। आप भी सुनिए टुन्ना का नीतीश पर हमला। नीतीश कुमार के रहम करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। अरे सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान की जनता हमको जिताई है। सिवान की जनता की हम जो भी कहिए साफ करने के लिए हम साफ करेंगे। सिवान की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता कोई नेता है, सो बताइए ना। परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे और मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर में ठेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री ही है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं न चुनाव जीते हैं और 3 नंबर की पार्टी हैं, फिर भी मुख्यमंत्री हैं, सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। और पटना से सौरभ कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिवान से आकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सौरभ, ऑपरेशन कागज का असर है, रुकी नहीं रहा है लगातार सियासी भूचाल। 10 दिन का समय दिया गया था पार्टी की तरफ से टुन्ना पांडे को, लेकिन उससे पहले ही हो गया बड़ा एक्शन। ये बिल्कुल ऑपरेशन कागज का ही असर है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ऑपरेशन कागज में हम लोगों ने दिखाया था कि कैसे एम्बुलेंस के दामों में घोटाला हुआ है, कैसे 8.5 लाख का जो एम्बुलेंस है वह 22,84,000 में बेचा गया, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि 21 एम्बुलेंस का हम लोगों ने दिखाया था और उसमें 17 एम्बुलेंस जो थे वह टुन्ना जी पांडे की अनुशंसा के बाद खरीदे गए थे। तो निश्चित रूप में इस घोटाले के बाद न्यूज 24 ने जो ऑपरेशन कागज दिखाया उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच का आदेश दिया था और उससे टुन्ना जी पांडे काफी बौखला गए थे और लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे। कल उन्हें बीजेपी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं माने और अंततः आज बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।